हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द मूव व्लॉग्स। वेलकम ऑल, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज गाइज दूसरा दिन है यहाँ पे ओरिएंटेशन का। तो बस पहले पिछले दिन तो हॉस्टल्स वगैरह लौट हो गए एंड आज अभी ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। सो एंटर करते हैं आपको MMC। ये कुछ ऐसा सा यहाँ बना हुआ है साइन और ये इनका पता नहीं कौन सा ब्लॉक है और यहाँ पे कहीं इनका ऑडिटोरियम है सामने बिल्कुल मेन गेट से एंटर करते ही। तो वहाँ से पीछे जाके कहीं हॉस्टल्स वगैरह हैं एंड अभी यहाँ ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए यहाँ पे जाएंगे हम। यहाँ पीछे भीड़ लगी है गाइस, पंगा हो गया पंगा। सो डन विद फर्स्ट ऑफ द प्रोग्राम। अभी हुआ क्या कि सीन पता क्या चल रहा है यार, अंदर बच्चे हैं यहाँ पे इस बैच में 250 और ये खाली ऑल इंडिया कोटा से जो बच्चे आए हैं, क्योंकि इस कॉलेज में दो कोटा होता है, एक जो यहाँ के होम स्टेट कोटा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर बच्चे हैं जिन्होंने 11th 12th दिल्ली से की है, तो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चे होते हैं और एक होता है ऑल इंडिया कोटा जो ऑल इंडिया नीट में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आए हैं। मतलब अब क्या कैसे बताऊँ यार, अब कुछ सीट्स होती हैं 30-40 सीट्स हैं जो खाली ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए हैं और बाकी जो 250 में से 200 कुछ सीट्स बची उनमें ये दिल्ली के बच्चे ही रिक्रूट करेंगे। मतलब एक एडवांटेज है दिल्ली वालों के लिए कि थोड़ा फिर कम मार्क्स पे भी उनको भी मिल जाता है क्योंकि उन्होंने उतने बच्चे लेने ही दिल्ली के हैं। बट अब उसका एडवांटेज निकल गया यहाँ पे। अब जब हॉस्टल देने की बारी आई तो प्रायोरिटी इन्होंने रखी है ऑल इंडिया कोटा वालों के लिए, जैसे हाँ मैं जम्मू कश्मीर से दूर से, हमारा कोई लेना देना नहीं 11th 12th दिल्ली में। तो ये सीन है। तो अभी वो थोड़ी बैंस चल रही है बाहर, बोल रहे हैं भाई हॉस्टल दो, वो कह रहे हैं कहाँ से दें जब है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम है क्योंकि पहले ये भी 125 बच्चों के लिए बना था। अच्छा चलो जो भी है वॉट एवर, पीछे देखो ऑडिटोरियम से हम आ गए हैं, रिफ्रेशमेंट्स का टाइम है, अब इसके बाद वापस जाएंगे। गाइस फाइनली नोएडा से हमने ये गद्दे एंड सारा सामान ले लिया हुआ है छोटा मोटा और यहाँ मेरे को एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी दिखा सर, वो इंडियन ऑयल वाले बाइक की सर्विसिंग फ्री दे रहे हैं इंजन ऑयल चेंज पे, बट सर्विसिंग देखो बाइक की कैसे हो रही है, तब से भाई थोड़े लेके लगा हुआ मारने उसको। तो ये छोटे छोटे इनके देखो मार्केटिंग स्टंट्स बढ़िया है। ऑयल चेंज करने में क्या एक बोल्ट ही तो खोलना होता है, बट वो भी चलो अपना ऑयल बेचने के लिए फ्री में करके दे रहे हैं और ये देखो सर्विस। ये सारा सामान नोएडा से लेके अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं, पूरी गाड़ी भर के सामान आया था। तो गाइस मजा आया, थक गए हैं काफी, ये ले। तो कैसा रहा भाई फर्स्ट डे, हुआ क्या आज उसके बाद? थोड़ा सा क्लिप तो बनाया मैंने, उसके बाद क्या हुआ? तीनों डिपार्टमेंट की इंट्रोडक्शन दी उन्होंने। अच्छा तो उसके बाद गाइस बता रहे कि खाली डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन हुई है, एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री और कौन सा था? फिजियोलॉजी। कल भी होगी? कल तो फाउंडेशन कोर्स है, ऐसे ही बताएंगे ज्यादा, मतलब क्लास नहीं है कल भी तेरा लेक्चर प्रॉपर। अभी गाइस सबको सेटअप कर दिया सारा कुछ, अलमारी बंद, ये पूरा सेटअप हो गया, बाल्टी बंटी वंटी सब कुछ रख दिया है। अब मूवमेंट ऑफ इमोशन, डॉक्टर साहब को विदा करने का समय आ गया है। क्या सा लग रहा है, बताइए गाइस। इस हॉस्टल में इतनी शांति है, मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ टीवी लगा लेना चाहिए, मतलब इतनी शांति आ रही है ऐसे लग रहा है टीवी लगा लेना चाहिए। टीवी लगा लेना चाहिए, इतनी इतनी शांति है, डिप्रेशन वाली आवाजें आ रही हैं भाई। जितने सुहाने क्लासरूम और कॉलेज के नाम चर्चे उतने गंदे बाथरूम। भाई बाथरूम क्या है यार, ये ठीक ये खोल के भाई भाई हालत देखो, बहुत बहुत भाई, मतलब वैसे कुछ बोलूंगा नहीं, पर बस एक रिक्वेस्ट है अथॉरिटीज को, क्लीन कराया जाए भाई ये।
चलो कोई नहीं हो जाएगा। आओ गाइस अब कराते हैं मैस का टूर। तो यार मैस वाले अंकल से मेरी बढ़िया सी दोस्ती हो गई है, कभी हमने हनी चिली वगैरह खा पी के देखा वहाँ पैक करा लिया एंड अब तो मिलता रहूँगा उनसे। गाइस मम्मा बस रो ही नहीं अभी अभी पहली बार मम्मी कैसा लग रहा है मम्मी बोलो। तो यार नन्हे को हमने अभी सी ऑफ कर दिया है और यहाँ बहुत ट्रैफिक है, बहुत शोर है यार। हम चाहते थे उसको भी हम घर ला सकते थे बट चाहते थे कि हमारे होते हुए भी एक बार हॉस्टल का एक्सपीरियंस ले। और अभी मम्मी को लेके मैं आ गया हूँ 24/7। तो यार 24/7 कुछ खास का मिला नहीं तो अब वापस आ रहे हैं, कहीं और से लेते हैं कुछ। और लाइट ऑन कर। तो गाइस फाइनली अभी हम आ गए हैं घर पे और आज का दिन यहीं पे क्लोज करते हैं। तो नन्ना अभी हम छोड़ा है, नन्ना मामू कहाँ है? गाड़ी में। इसको लग रहा है नन्ना मामू गाड़ी में। नन्ना मामू को उसके कॉलेज छोड़ा है। कहाँ? उसके कॉलेज दूर, अब नहीं आएगा वो। देख लेना आएगा वो। नहीं आएगा। तो चलो गाइस इसी नोट के साथ आए, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छा लगा तो लाइक करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।